अध्यक्ष बनने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह से किस कदर लड़ाई की थी ये पूरे देश को दिखा था। साल 2017 में सपा पर अधिकार के लिए मुलायम परिवार में हुई इस सियासी लड़ाई के बाद से ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच 36 का आंकड़ा देखा गया। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर चाचा भतीजा एक दूसरे के करीब आए थे और शिवपाल ने सपा के साथ मिलकर योगी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल के बीच सियासी दूरियां बढ़ती चली गईं। तभी तो शिवपाल यादव अफसरे आम अखिलेश यादव को कोसने लगे हैं, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करने में लगे हैं। कहते हैं राजनीति के आगे पारिवारिक रिश्ते भी छोटे पड़ जाते हैं। दुर्भाग्य से मुलायम परिवार में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव और प्रगति समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच जबरदस्त सियासी तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव खुलकर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी बीजेपी नीड एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया है। और ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब कुछ ही महीनों पहले सपा के साथ अपने पार्टी का गठबंधन करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन बात जब राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देने की आई तो शिवपाल सिंह यादव खुलकर मोदी योगी के पाले में चले गए। उन्होंने शुक्रवार को सीएम योगी के साथ एक मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देंगे। और ये बात उन्होंने क्यों कही, ये बात आप खुद शिवपाल यादव से ही सुन लीजिए। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे दो बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी, तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया। और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई, तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। साल 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को ही वोट दिया था। और अब जब एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है तो इस बार भी शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे। और उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जब यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ था तो विपक्ष की उस बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को उस बैठक में नहीं बुलाया। शिवपाल यादव सपा के चुनावी सिंबल साइकिल पर ही चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की बैठकों में नहीं बुलाते हैं। विपक्ष के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना, लेकिन एक बार भी शिवपाल यादव से यशवंत सिन्हा के लिए वोट नहीं मांगा। सपा विधायक होने के बावजूद शिवपाल सिंह यादव के लगातार उपेक्षा की जा रही है। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने भी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त अखिलेश यादव के साथ जाने के बजाय सीएम योगी के साथ जाना बेहतर समझा, क्योंकि खुद योगी ने उन्हें एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए अपने आवास पर बुलाया था। लेकिन जब कुछ ही दिनों पहले यशवंत सिन्हा राजधानी लखनऊ आए थे तो खुद अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और सपा के सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह को भी पूछा था और बकायदा यशवंत सिन्हा से उनकी मुलाकात भी करवाई। लेकिन इस मुलाकात के दौरान शिवपाल यादव कहीं भी नजर नहीं आए, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया ही नहीं था। एक तरफ जहां सपा की ओर से लगातार शिवपाल यादव का अपमान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी विरोधी होने के बावजूद सीएम योगी ने उन्हें न सिर्फ पूछा बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर भी बुलाया और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा।
सीएम योगी से मिले सम्मान के बाद शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे, यशवंत सिन्हा को नहीं। बहरहाल शिवपाल यादव को सपा से मिल रहे अपमान और योगी से मिल रहे सम्मान पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताते हुए शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाते हैं ना, लेकिन प्रसपा अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि क्यों आपकी पार्टी इतना इग्नोर कर रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? राजनीतिक परिपक्वता न होने के कारण आप देखते चले जाए, एक से एक नेता दूरियां बनाता चला जा रहा है और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे, मैंने तब भी नहीं मिली है। तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया, आपको लगता है कि जानबूझकर की पार्टी की तरफ से ये नजरअंदाज किया जा रहा है, या जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता है अखिलेश यादव जी में, इस वजह से? तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर भी होती चली जा रही है और सब लोग छोटे भी चले जा रहे हैं, तो ये सब कुछ राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हो रहा है। तो आप कल जब परसों यहाँ पर आए थे, आपकी कोई, आपने अखिलेश जी को कभी कोई किसी को सुझाव दिया, कुछ आपने उनको बताने की कोशिश करी, क्योंकि आप तो लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रयास का नतीजा था कि आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े? देखिए, जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था, और जो हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, सबको पता है कि हमने एक साल पहले 100 कम से कम 100 प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी थी कि आपको चुनाव लड़ना है, सभी तैयारियां थी, बूथ कमेटी से लेकर के सब तैयारियां थी, उसके बाद किसी को भी टिकट नहीं दिया, और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी तरह होती। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में, चूंकि एक बड़ा गठबंधन जो सुभाषा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी कल मुख्यमंत्री जी के इस डिनर में शामिल थे द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो आयोजित किया गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी में एक और गठबंधन की टूट आप देख रहे हैं? वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब छोटे चले जा रहे हैं, जो भी गठबंधन बना था एक एक करके सब छोटे चले जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक अपरिपक्वता है। राजभर जी के जाने को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत, अब उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं और मैं तो गठबंधन में था नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी में था, तो इस वजह से मैं तो कुछ उस संबंध में नहीं। कल जो द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो भोज था मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया, तो उसमें कौन कौन लोग थे आपके अलावा? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, संगठन के लोग भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और भी जो नेता थे आपको पता ही है, ओम प्रकाश राजभर जी, राजा भैया, ये सब लोग थे। हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी बहुत कुछ द्रौपदी मुर्मू के साथ में है? हाँ, थे, आपको पता ही है। तो आप एनडीए के प्रत्याशी की जीत को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा आपकी पार्टी ने उनको समर्थन किया हुआ है? देखिए, हम इतना जानते हैं कि जहाँ हम वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा, पहले भी बन रहा था, आपकी बात फिर बनेगा, पहले भी मैंने कहा था कि हम जहाँ वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरीके का सम्मान आपको, कल आप जब गए तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर आप खुद वहाँ गए, आपको खुद अपना इस बात का देखने की पीड़ा है कि पार्टी ने नज़रअंदाज किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको बुलाया, किस तरीके का सम्मान आपको मिला? देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए,
तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है।